हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग साइटेडनेस, जिसे हिंदी में दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिए क्या होता है कि इसमें एक नॉर्मल पर्सन को दूर की चीजें जो होती हैं, दूर के ऑब्जेक्ट वस्तुएं, वो तो अच्छे से साफ दिखती हैं, बट जो पास की वस्तु होती है, ठीक है, जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं वो अच्छे से नहीं दिखते हैं। देखिए वही डिफिनेशन लिखी हुई है, अगर एग्जाम डिफिनेशन आ जाती तो आप बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे, ये नॉर्मल सी डिफिनेशन है। क्या है? द डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच एन आई कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, वही बात हिंदी में लिखी हुई है। इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं देखने में समस्या उत्पन्न होती है, इसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, आप इस टाइप से ही लिखकर आएंगे एग्जाम में। ओके, एक आपने अभी जब पढ़ा था मायोपिया के बारे में, ठीक है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एक नॉर्मल सा डिफरेंस है। ठीक है, मायोपिया में आपने पढ़ा था कि आपको दूर की वस्तुएं अच्छे से नहीं दिखती, बस पास की वस्तुएं अच्छे से दिखती है। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया जो लॉन्ग साइटेडनेस, ये बिल्कुल उसकी अपोजिट है। इसमें आपको दूर के डिस्टेंस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपको क्लियरली दिखते हैं, बट जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो पास की वस्तुएं होती हैं, वो अच्छे से नहीं दिखते। ठीक है, ये दोनों में नॉर्मल सा डिफरेंस है। ओके,